हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये छोटी सी बच्चा पार्टी आई थी मुझसे मिलने, और बातें की हमने बहुत सारी, और बड़े प्यारे बच्चे हैं ये। ये अध्यात्म की बात करते हैं, ये संस्कृत की बात करते हैं। उसके बाद मम्मी डैडी के साथ बैठा घर के सबसे ब्यूटीफुल हिस्से में। मुझे नहीं पता लोग क्या देखते हैं घरों में जाकर, लेकिन मैं सबसे पहले घरों की बालकनी देखता हूँ। यू कैन बाय एवरीथिंग एक्सेप्ट नेचर। नहीं, इसका बैक कैमरा अच्छा है, इसलिए मैंने ऐसे लगाया। और ये मैं पापा की गाड़ी में जा रहे हैं, हौले हौले, पापा की प्यारी सी गाड़ी। और पापा मम्मी आगे बैठे हुए हैं, मैं पीछे बैठा हूँ बचपन की तरह। ये पीछे राजा बाबू बैठे हैं, जैसे बचपन में बैठा करते थे। तो हम भैया भाभी के घर के नीचे पहुँच चुके हैं, और भाभी ने हमें डिनर पे इनवाइट किया, तो आई एम श्योर कुछ लजीज सा खाना खाने को मिलेगा। पापा मम्मी, मेरी प्यारी गर्ल मटर मम्मी, ये पापा। अरे पापा आ जाओ। मम्मी तुम्हारा मास्क कहाँ है? अच्छा, मेरा भी मास्क है जेब में। मम्मी तुम्हारा मास्क कहाँ है? लगा दो। ये क्या है? आलू गोभी, दाल, मटर पनीर और खीर। अच्छा, ये गिफ्ट तो ठीक है, पहले मुझे मिमिक्री करके बताओ। मेरी नानी और मेरी मासी ने बनाई है। अच्छा। वो लोग घर पे बनाते हैं सब। ओह वाव, नाइस। इसमें सब कुछ प्योर है। ओह ग्रेट। अभी तुम मुझे पहले वो करके दिखाओ, मिमिक्री करके दिखाओ। चश्मा निकाल, कल वाली, कल जो करके दिखाई थी तीनों चारों की। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति में। फिर शत्रुघ्न सिन्हा, अब चपर गंज जितना बोला उतना है कर। बस, और अक्षय कुमार पानी पानी हमने तो करता तो कुछ पापा की तो देने के नीचे से तो सॉरी नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, प्रेम से। अच्छा, प्रेम चोपड़ा। मुझे बहुत पसंद है पापा मम्मी का यूं साथ चलना, हाथ पकड़ के। अच्छा लगता है देखकर। खैर, पापा को वैक्सीन लगवाई, मम्मी का भी सेकंड डोज हो गया, और मुझे भी ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, तो मैंने भी अपनी सेकंड डोज ले ली है। और हम चल पड़े अब मुंबई की तरफ। हम लोग निकल पड़े मुंबई के लिए, और पापा मम्मी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। पापा इधर आओ, देखो देखो, दर्शन दे दो मम्मी, दर्शन दे दो। आज वेदर गॉड्स बहुत खुश थे हम लोगों पे, क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा था हमारी सहूलियत के हिसाब से हो रही है, कभी हो रही है कभी बंद हो रही है, और हमें बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। कई बार ऐसा होता है बारिश तेज़ होती है तो ये सब पहाड़ इतने क्लियरली नहीं दिखाई देते। स्पेशली मम्मी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकली थी। एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, और हाईवे के साइड में हम लोग सर्विस रोड जाती है एक गांव की तरफ से, वहां हम रुके। और कभी कभी आप जब बीच में कहीं रुकते हो या ऐसे अननोन से टर्न ले लेते हो, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये छोटा सा गांव भी बड़ा खूबसूरत था, हाईवे से एकदम लगा हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत।
पकड़े गए पकड़े। अच्छा आप मेरा वीडियो ले लो, मैं आपका वीडियो ले लेता हूँ। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत था और साथ ही में मौसम हमारा साथ दे रहा था पिक्चर्स लेने के लिए। अगर बारिश होती तो हम शायद ये पिक्चर्स नहीं ले पाते, लेकिन बारिश रुक गई थी और हमने बहुत ही खूबसूरत कुछ फ़ोटोज़ लिए यहाँ पर, कुछ खूबसूरत सी मेमोरीज बनाई छोटी सी। एंड आई होप आपको हमारी ये छोटी प्यारी सी जर्नी अच्छी लगी होगी। आगे भी बहुत कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ज़िंदगी के खट्टे मीठे पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।